Hello guys, welcome back to another important MCQ MPPSC series, part number 35, presented by me, Aditya Dubey. In this lesson, we will look forward to some important MCQ pertaining to MPPSC examination. सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस बॉलीवुड पर्सनालिटी को अभी रिसेंटली स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2018 मिला. ओके, विच बॉलीवुड पर्सनालिटी हैज बीन बेस्टोड विद स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2018. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अनुष्का शर्मा कोहली. अनुष्का शर्मा कोहली को रिसेंटली स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2018 मिला. अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नए सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुए, हु अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो अभी नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है अनिंदो मजुमदार. ऑप्शन बी, अनिंदो मजुमदार इज अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द सीवीसी. अब सीवीसी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा कि ये एक एपेक्स बॉडी है और इसकी स्थापना हुई थी, मींस इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1964 पे. ओके, तो 1964 में स्टार्ट हुई थी सीवीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. ये एक एपेक्स गवर्नमेंट बॉडी होती है जिसका काम होता है कि जो भी गवर्नमेंट के करप्शन होते हैं उनको उजागर करना. ओके, और अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो राजीव महर्षि, आप जानते होंगे कि ये हमारे वर्तमान में कैग हैं. कैग मींस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. इसका आर्टिकल आपसे जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका आर्टिकल आप याद रखिएगा, आर्टिकल 148 डील्स विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. वहीं अगर बात की जाए राजीव गौबा जी की, तो आपको बताना चाहूंगा कि राजीव गौबा जी हमारे करेंटली होम सेक्रेटरी हैं. ओके, होम सेक्रेटरी हैं हमारे रिसेंटली जो हैं राजीव गौबा जी, और जो सीवीसी है वो है अनिंदो मजुमदार, और जो कैग हैं वो हैं राजीव महर्षि. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि महर्षि अरविंद मेमोरियल फेस्टिवल इनमें से कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज देवास. अब हम मैप में देख लेते हैं कि देवास कहाँ पे सिचुएटेड है. तो आप ये देख सकते हैं, ये है हमारे एमपी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन ऑफ मध्य प्रदेश. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है देवास, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया महर्षि अरविंद मेमोरियल फेस्टिवल. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे इनमें से किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है. तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, दैट इज 2 फरवरी. 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे. इसकी शुरुआत हुई थी रामसर सम्मेलन से, मींस रामसर कन्वेंशन से इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि है ईरान में. और अगर आपसे एग्जामिनेशन में डेट पूछी जाए कि रामसर सम्मेलन की डेट क्या है, मींस रामसर कन्वेंशन की डेट क्या है, तो आप याद रखिएगा इट्स 2 फरवरी 1971 को ये साइन किया गया. और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ये फोर्स में कब आया, मींस ऑन विच डेट इट केम इनटू फोर्स, तो उसकी भी डेट आप याद रखिएगा, वो है 21 दिसंबर 1975. ओके, तो इसके 4 साल बाद ये मतलब पूरी तरीके से लागू हुआ, लेकिन साइन किया गया था रामसर कन्वेंशन 1971 को, और स्पेसिफिकली 2 फरवरी को. यही कारण है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है. 16 सितंबर तो आप जानते होंगे कि ये वर्ल्ड ओजोन डे है, और अगर 22 मार्च की बात की जाए तो ये है वाटर डे, और 4 फरवरी तो आप जानते ही होंगे ये है वर्ल्ड कैंसर डे. 4 फरवरी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगा कि फेसबुक की स्थापना भी इसी दिन हुई थी, 4 फरवरी 2004 को, और कैंसर डे भी इसी दिन मनाया जाता है. ओके, 4 फरवरी. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि ई लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में लॉन्च की है, मीन्स इस साल लॉन्च की है, उसका नाम क्या है. तो इसका नाम है ऑप्शन ए, दैट इज सुगम्य. सुगम्य है नाम ई लाइब्रेरी का जो कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए शुरू की गई. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट किस डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया गया है मध्य प्रदेश के. ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये एस्टेब्लिश किया गया है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मंडला. मंडला में एस्टेब्लिश किया गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. अब हम मैप देख लेते हैं मंडला कहाँ सिचुएटेड है. तो आप ये देख सकते हैं मंडला यहाँ पे सिचुएटेड है जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया जा रहा है. अगला क्वेश्चन है कि कूड़ा धन नाम की बुक इनमें से किसने ऑथर की है, मीन्स हु ऑथर्ड कूड़ा धन बुक. तो ये आप देख सकते हैं कवर पेज कूड़ा धन बुक का, इसके ऑथर हैं मिस्टर दीपक चौरसिया. तो ऑप्शन बी आप देख सकते हैं, मिस्टर दीपक चौरसिया इज द ऑथर ऑफ कूड़ा धन बुक. तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से. अगला क्वेश्चन है कि राहुल मिश्रा का संबंध इनमें से किस खेल से है. राहुल मिश्रा इज एसोसिएटेड विथ विच गेम. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जूडो.
राहुल मिश्रा का संबंध है जूडो से। अब राहुल मिश्रा जी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और ये एमपी के रहवासी हैं, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो राहुल मिश्रा का संबंध है जूडो से। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आई होप यू लाइक इट। इफ यू हैव एनी सजेशंस और डाउट, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। गुड लक, बाय बाय।